ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट विल्ट डिजीज ऑफ मेनी क्रॉप्स बिलोंग टू अवर सिलेबस लाइक दैट विल्ट ऑफ क्यूमिन, फ्यूजेरियम, ऑक्सिस्पोरम, फोमा स्पेसिस क्यूमनी, लेंटिल विल्ट, ग्राम विल्ट। विल्ट डिजीज बिलोंग टू अवर सिलेबस, ओनली तीन की डिजीज है हमारे सिलेबस में, क्यूमिन, लेंटिल एंड ग्राम विल्ट। ऑलमोस्ट विल्ट डिजीज सिम्टम्स आर सिमिलर, मैनेजमेंट आर सिमिलर एंड डिजीज साइकिल ऑल्सो सिमिलर। कॉजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम मोस्ट ऑफ, बट डिफरेंस ओनली स्पीसीज, फोमा स्पीसीज क्यूमनी, फोमा स्पीसीज लेंटिस इन लेंटिल केस एंड ग्राम विल्ट फोमा स्पीसीज साइसरीज। ओके, देन सिम्टम्स, फ्यूजेरियम इन्फेक्शन इज ए कैरेक्टराइज बाई ए सडन ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स मोर लाइक विल्टिंग एंड डैम्पिंग ऑफ। सबसे पहले क्या होता है, एक बात क्लियर कर दूं मैं, रूट रॉट और विल्ट डिजीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले अगर लीव्स ड्रॉप हो रही है, सडनली ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स मींस दैट ए विल्ट डिजीज, और अगर पूरा प्लांट सडनली डेथ ऑफ द प्लांट, पूरा प्लांट ही डेथ हो गया है, तो वो क्या है, रूट रॉट डिजीज। ठीक है, ये हम बाहर से दूर से बता सकते हैं कि क्या सिम्टम्स होंगे। ओके, सडन डेथ ऑफ द प्लांट एंड इन वाइल्ड केसेस ऑफ विल्टिंग, सबसे पहले क्या होगा विल्ट में, ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स एंड देन मोस्टली अफेक्टेड पार्ट जाइलम एंड वेस्कुलर बंडल ऑफ स्टेम्स, देन फॉलोड बाय लीविंग ड्राइंग लीव्स ड्राइंग and eventually death of the seedlings. The most character symptom of the disease are vascular bundle, brownish discoloration which is dark brown to black sheen when stem is cut longitudinal. जब आप या तो क्यूमिन, लेंटिल या ग्राम किसी का भी अगर आप सेक्शन काटोगे, उसका स्टेम लॉन्गिट्यूडनली कट करोगे, तो आप क्या देखोगे, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होगा, वो ब्राउन होगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा, जो कि बाद में लेटर स्टेज में डार्क ब्राउन होके ब्लैक हो जाएगा। क्या है वो, व्हाट इज दिस, यू हैव क्लियर सीन दिस, लेंटिल विल्ट एंड ग्राम विल्ट। क्या है वो, फ्यूजेरियम का टॉक्सिन है, फ्यूजेरिन टॉक्सिन। क्या है, फ्यूजेरिन टॉक्सिन क्या करता है, वो प्लग कर देता है टॉक्सिन को, सब्सटेंस जो टॉक्सिन है वो कलेक्टिवली कहाँ इकट्ठा हो जाता है, म्यूसिलिसियस सब्सटेंस इकट्ठा होकर कहाँ रहता है, वेस्कुलर बंडल में। अब जब वेस्कुलर बंडल प्लग हो गया तो नाइदर अपटेक न्यूट्रिएंट नॉर अपटेक फूड, परफेक्ट स्टेज डोमेन यूकेरिया, किंगडम फंजाई, फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास सोलिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर हाइपोक्रियल, फैमिली नेक्ट्रियसी, जीनस जिब्रेला, स्पीसीज लैंटिस। दिस इज अ परफेक्ट स्टेज बिकॉज ऑफ फ्यूजेरियम ऑल्सो बिलोंग टू हाइपोमाइसिटीज ग्रुप, मीन्स अर्लियर नॉन एज ड्यूटेरोमाइसिटीज, मीन्स ड्यूटेरोमाइसिटीज, जस्ट वन परफेक्ट स्टेज कहाँ पे होगी इसकी, एस्कोमाइकोटा में। इन अल्टरनेटिया केस आल्सो परफेक्ट स्टेज बिलोंग टू एस्कोमाइकोटा। हियर वी सी दैट परफेक्ट स्टेज जिब्रेला लेंटिस एंड इम्परफेक्ट स्टेज फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फोमा स्पीसीज लेंटिस क्यूमेनी साइसरीज ग्रुप हाइपोमाइसिटीज, अर्लियर बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड नाउ रिसेंटली ग्रुप hypomycetes, not phylum, this group not phylum, not recognized yet which phylum belong, only group hypomycetes and belong to fungi. अब हम बात करें कि मॉर्फोलॉजी कैसे होते हैं, फ्यूजेरियम कैसे होते हैं, पैटर्न की बात करें,
मैंने एक बात कल बताई थी, वॉट एवर पैथोजन बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइकोटा ग्रुप, ड्यूटेरोमाइकोटा, माइसिलियम आर सेप्टेट। देखिए माइसिलियम अल्टरनेरिया का भी हाईलाइन था, माइसिलियम हाईलाइन सेप्टेट माइक्रो। अब इसमें क्या है, टू टाइप के कोनिडिया होंगे, माइक्रो कोनिडिया एंड मैक्रो कोनिडिया। माइक्रो मीन्स जो स्मॉल साइज के होंगे, मैक्रो मीन्स थोड़े से बड़े साइज के होंगे। देन माइक्रो कोनिडिया स्मॉल वन सेल्ड और टू सेल्ड थिन वॉल्ड इलेक्ट्रिकल एंड हाई लाइन 4 to 6 into 2 to 4 माइक्रोमीटर डायामीटर। यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर, दिस इज This one is micro, micro conidia. आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिस इज अ माइक्रो एंड दिस इज अ मैक्रो। मैक्रो यानी थोड़ा बड़ा, लार्ज साइज, दिस इज अ मैक्रो, दिस इज अ माइक्रो, दैट इज मैक्रो, मैक्रो कोनिडिया। अब इसमें कितने सेप्टा दिख रहे हैं आपको, मिनिमम 3 or 4 सेप्टा, जबकि यहाँ 1 or 2, रेयरली 2। ओके, मैक्रो कोनिडिया लॉन्ग होंगे, कर्व होंगे, देख रहे हो प्लीज, क्लियर सीन, कर्व्ड लॉन्ग पॉइंटेड एंड होंगे, बोथ साइड सेप्टेट होंगे, 3-4 सेप्टा होगा, इनका साइज भी ग्रेटर देन माइक्रो कोनिडिया। क्लेमाइडोस्पोर, क्या है क्लेमाइडोस्पोर, इज अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर बॉडी, रेस्टिंग स्ट्रक्चर बॉडी ऑफ फ्यूजेरियम ऑक्सोस्पोरम, सर्वाइव इन सॉइल एंड प्लांट डेब्रीज। तो क्लेमाइडोस्पोर कैसा होता है, ओवल स्पेरिकल एंड सिंगल ऑरेंज चेन। प्लीज क्लियर इन सीन दिस पिक्चर, ओवल राउंड शेप का दिख रहा है आपको, स्पेरिकल सिंगल भी हो सकता है और चेन में भी हो सकता है, दिस इज क्लेमाइडोस्पोर, दिस इज क्लेमाइडोस्पोर। ड्यूटेरोमाइकोटा इन विच ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, टू टाइप कोनिडिया, मैक्रो एंड माइक्रो, माइक्रो इज स्मॉल साइज 1 or 2 सेप्टेट, वाइल केसोस मैक्रो कोनिडिया इज लार्जर देन माइक्रो, 3 to 4 सेप्टा एंड कर्व्ड बोथ एंड। होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप मींस व्हाट इज डिजीज साइकिल, पैथोजन कैन सर्वाइव इन सॉइल, इन सीड, प्राइमरी इंफेक्शन इज कॉज्ड बाय जर्म ट्यूब इमर्ज्ड फ्रॉम क्लेमाइडोस्पोर इन सॉइल, व्हेनेवर क्लेमाइडोस्पोर सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट, देन व्हेनेवर सीजन अकर The क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा, जर्म ट्यूब बनेगी, जर्म ट्यूब बनने के बाद में क्या होगा, क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट कोनिडिया लाइक दैट मैक्रो कोनिडिया एंड माइक्रो कोनिडिया, देन इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन अकर, देन सेकेंडरी स्प्रेड थ्रू इरीगेशन, वाटर कल्चरल ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन बाई माइसिलियम और कोनिडिया, एंड इन्फेक्शन ऑफ होस्ट रूट, द फंगस क्रॉसेज द क्रोकॉटेक्स एंड एंटर द जाइलम टिश्यूज। Cultural practices management, deep summer plowing is best for soil-borne diseases. Soil-borne pathogens which cause wilt can be killed by soil solarization. Disease incidence of wilt can be reduced by crop rotation, leguminosy, spices and poaceae means gramineae family. Healthy seed use, certified seed use, then well-drained help to lot of avoiding water, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब बात आती है केमिकल कंट्रोल की, सीड ट्रीटमेंट विथ कार्बेंडाजीन एट द रेट 2 gram per kg ऑफ सीड। आप सबसे पहले क्या कीजिए, सीड ट्रीटमेंट कीजिए 2 gram per kg ऑफ सीड, देन सॉइल ड्रेंचिंग इज अ वेरी इफेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल ड्रेंचिंग कब करेंगे, क्या होता है ड्रेंचिंग, स्टैंडिंग क्रॉप में, अगर क्रॉप फसल खड़ी है खेत में और पौधा विल्ट हो गया, मुरझा गया, पत्तियां झड़ चुकी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात आपको पता लग जाएगा उसके पत्तियां गिरेगी तो कि ये विल्ट डिजीज है। जब आप एक एक प्लांट उखाड़ कर देखेंगे क्यूमिन का या ग्राम का, तो आप उसमें लॉन्गिट्यूडनल कट लगाएंगे तो उसमें आपको जाइलम वैस्कुलर बंडल कैसा दिखेगा, ब्राउनिश एंड ब्लैक कलर का। क्या है वो, फ्यूजेरियम का टॉक्सिन है जो कि इकट्ठा हो गया है वहां पे कलेक्टिवली, और वो प्लग कर दिया है उसने वैस्कुलर बंडल, neither uptake water nor food from photosynthesis by leaves. Then what is best method, seek soil drenching with carbendazine 0.1% or copper oxychloride 0.25%.
recently more fungicides like that propiconazole, hexaconazole, tobeconazole, and Vitavex also drenching used. So 0.1% means, मैं बार बार हर क्लास में बोलती हूँ, 0.1% means 1 gram per liter water. ड्रेंचिंग कैसे करोगे? आपको रूट जोन के पास में स्प्रेयर लो, स्प्रेयर का बड़ा नोजल खोलो, यानी एक तो होता है उसमें माइक्रो एक मैक्रो, आप नोजल हटाओ उसका, फुल उसमें धार में चलने दो उसको, और रूट जोन के पास में आपको स्प्रे करना है उसका, रूट जोन के पास में, एंड देन इरिगेट, उसके बाद में उसको इरिगेशन करना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो फंजीसाइड है वो रूट जोन यानी उसके रूट जोन सॉइल में एंटर होगा, और जो सॉइल बोर्न डिजीज है, क्लेमाइडोस्पोर है या फिर मैक्रोकोनिडिया माइक्रोकोनिडिया है, उनको डिस्ट्रॉय करेगा. A combination of seed treatment with carbendazim and one spray of carbendazim binomial effective in reducing wilt incidence cumin against the pathogen of wilt. Biological control, seed dressing, it is a very important. मैंने कल भी बताया था, जितनी भी soil borne disease है आप उसमें क्या use लेंगे, biological control like that trichoderma hersianum at the rate 6 gram per kg seed treatment and sudam monas fluorescens at the rate 10 gram per kg of seed. Many time question asked in your new type. अगर आप 10th year के paper उठा के देखोगे तो आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि trichoderma hersianum की कितनी वो चाहिए. डॉट चिया सीड ट्रीटमेंट में और सुडोमोनास फ्लोरोसेंस की कितनी चाहिए तुमको डोज. सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई शायद इसमें. ओके नो प्रॉब्लम. टॉलरेंट रेजिस्टेंट वेराइटीज टू बी यूज. और अगर हम सॉइल ट्राइकोडर्मा की बात करें बिफोर सोइंग, सॉइल में कैसे मिलाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार वाइवा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने क्या करोगे, सबसे पहले 100 किलो FIM यानी 100 kg FIM एंड 2.5 kg ट्राइकोडर्मा. सबसे पहले आप 2.5 kg ट्राइकोडर्मा लाएंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको किस में मिलाएंगे, गोबर की खाद या केचुए की खाद भी ले सकते हैं आप. दोनों को मिक्स कीजिए मास मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बिफोर सोइंग. सॉइल यूज बायोलॉजिकल कंट्रोल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टू कंट्रोल सॉइल बॉर्न डिजीजेज. हमने क्या किया, 2.5 kg लिया ट्राइकोडर्मा, देन मिक्स इन 100 kg ऑफ FIM. 7 days इसको क्या करेंगे, हम 7 days के लिए मिक्सर करते रहेंगे, टर्निंग करते रहेंगे, और एक छायादार आप घर पे भी कर सकते हैं, किसी भी छायादार या पक्की फर्श हो, नीचे छायादार स्थान हो वहां पर आप सबसे पहले दोनों को मिक्स कीजिए. मिक्स करने के बाद में उसमें थोड़े पानी के छींटे दीजिए, मॉइस्ट रखना है आपको उसको, ठीक है, सूखा नहीं होना चाहिए, उसके मल्टीप्लीकेशन के लिए ह्यूमिडिटी बहुत जरूरी है. देन आप क्या कीजिए, जो ये होती है क्या कहते हैं इनको, सैक्स होती है, मतलब कि बोरी होती है, बोरी जैसे कि टाट की बोरी होती है जिसमें अपन गेहूं वगैरह भरते हैं, उसको गीला करके और उस पर डाल दीजिए, और 7 days तक आप उसको टर्न करते रहिए, मैनिपुलेशन मतलब मिक्स करते रहिए, और आफ्टर 7 or 10 days आफ्टर यू कैन सी मास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा. यानी जो 2.5 किलो मिलाया था आपने, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में FIM खाद में हो चुका है, और वो आपके 1 hectare उसके लिए पर्याप्त है, 1 hectare कल्टीवेबल लैंड के लिए. रेजिस्टेंट वेराइटीज, टॉलरेंट और रेजिस्टेंट वेराइटीज शुड बी यूज टू डिक्रीज इंसिडेंस UC199 देरी. ये किसकी है, क्यूमिन की है, सॉरी है, ठीक है, UC19, UC220 एंड UC231. रेजिस्टेंट वेराइटीज मैं आपको आज शेयर कर दूंगी, मेरे पास बहुत सारी रिसेंटली रेजिस्टेंट वेराइटीज का एक वो बनाया हुआ है चैप्टर, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसमें बहुत सारी ऑलमोस्ट सबके रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं, तो आप उनको लर्न कर लें, एक बार फिर अपन रिविजन करेंगे. कुछ भी नहीं है विल्ट डिजीज में, आपको इतना पता होना चाहिए, विल्ट का हिंदी में मतलब होता है मुरझान. आपके सिलेबस में ओनली 3 diseases बिलोंग करती है, विल्ट ऑफ क्यूमिन, लेंटिल विल्ट एंड ग्राम विल्ट, दैट्स ओके. फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम सेम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम
एक चीज ध्यान रखना, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम में फोमा स्पेशलिस, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है एफएसपी का मींस क्या है, फोमा स्पेशलिस, ये कभी भी इटैलिक नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का। यानी फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम क्या है स्पीसीज, इसकी फॉर्मर स्पीसीज कौन सी है, क्यूमिनी, ठीक है, ये कभी इटैलिक नहीं होगा। या आपके कोजल ऑर्गेनिज्म है, क्यूमिन में क्यूमिनी लगा देना है, लेंटिस में लेंटिस लगा देना है, मुझे तो कोई टिपिकल कुछ लग नहीं रहा, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम याद कर लो और क्यूमिन के क्यूमिनी लगा दो, लेंटिस के लेंटिस रहेगा एज इट इज रहेगा, और लेंटिल के लेंटिस लगा दो, साइसर के साइसरिस लगा दो, सिंपल। देन क्या सिम्टम्स होंगे, सबसे पहले क्या होगा, सडनली ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स होगी, ठीक है, देन सडन देन इवेंचुअली डेथ ऑफ द सीडलिंग या प्लांट, स्लो स्लोली डेथ ऑफ द प्लांट्स। एंड व्हाट इज रीजन, जब आप लॉन्गिट्यूडनली कट करोगे प्लांट के स्टेम को तो आपको वेस्कुलर बंडल होंगे, वो कैसे होंगे, ब्राउनिश टू ब्लैकिश कलर। व्हाट इज दिस, दिस इज अ टॉक्सिन क्रिएटेड बाय फ्यूजेरियम, फ्यूजेरिन, दिस इज टॉक्सिन नेम फ्यूजेरिन, फ्यूजेरिन इज ए म्यूसिलिनस सब्सटेंस, यानी चिपचिपा पदार्थ होगा, वो प्लग कर देगा वहां पे, प्लग कर देगा वेस्कुलर बंडल को, जब वेस्कुलर बंडल प्लग हो जाएगा तो ना तो वो पानी, ना जो रूट्स ने पानी अपेक किया है वो पत्तियों तक वो नहीं पहुंचा पाती, और जो पत्तियों ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाया है वो ना ही जड़ों तक पहुंच सकता, क्योंकि बीच में प्लगिंग हो चुकी है टॉक्सिन की। इस कंडीशन में क्या होगा मुझे ये बताओ, हमारे गले में कुछ अटक गया तो क्या होगा, हमारा खाना ही अंदर तक नहीं जाएगा, तो हम कैसे, हाउ कैन डू वर्क, ठीक है। सेम इसी तरह इसके क्या हो गया, प्लग लग चुका है, प्लग लगने पे ना तो नाइदर अपटेक वाटर नॉर टेकन फूड बाय फोटोसिंथेसिस बाय लीव्स। हियर सीन क्लासिफिकेशन, इट्स इम्परफेक्ट स्टेज, इम्परफेक्ट फंजाई, बिलोंग टू हाइपोमाइसिटीज, एंड फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम इज इट्स परफेक्ट स्टेज, बिलोंग टू एस्कोमाइकोटा, एंड इम्परफेक्ट स्टेज ऑक्सिस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज लेंटिल, wherever sexual or perfect stage zebrella lentis, fusarium की जगह आपको क्या कर देना है, only zebrella, zebrella cumini, zebrella saisri, ठीक है, family nectariaceae होगी, order hypocreals होगा, ठीक है। morphology में simple है, fusarium की कोई सी भी disease हो, most of जितनी भी fusarium की disease है morphology same रहती है, ठीक है, लाइक दैट माइसिलियम हमेशा सेप्टेट रहेगा फ्यूजेरियम का, इवन ड्यूटेरोमाइकोटा के हर पैथोजन का माइसिलियम सेप्टेट होगा, ये फाइलम का करैक्टर है, नॉट ए पैथोजन। माइक्रोकोनिडिया बनेंगे, मैक्रोकोनिडिया बनेगा, माइक्रोकोनिडिया में क्या होगा, 1 to 2 सेप्टा होंगे, यानी बहुत स्मॉल साइज के होंगे, ओवल शेप के होंगे, देन मैक्रोकोनिडिया 3 to 4 सेप्टा होंगे, कर्व होंगे बहुत एंड, यू हैव क्लियर सीन, दोनों एंड पे क्या है, कर्व है, पॉइंटेड है। Then resting structure, chlamydospore. Chlamydospore here is, you have clear seen this picture. And by chlamydospore, chlamydospore से ये asexual reproduction करते हैं, और ये single भी हो सकता है और chain भी हो सकती है. Host pathogen relationships survive करेंगे soil में. Whenever chlamydospore germinate होगा, germinate होने के बाद में वो conidia होंगे, macro micro conidia, and secondary spread होगा, cultural implementation, operation, mycelium, wind, water. ठीक है, हेल्थ डिजीज टू हेल्दी प्लांट मैनेजमेंट नथिंग दैट, सॉइल बॉर्न डिजीज है तो मुझे लगता है तो मास्टर हो चुके होंगे सॉइल बॉर्न डिजीज में, सबसे पहले कल्चरल प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी मैं हमेशा नहीं पढ़ाऊंगी मैनेजमेंट, समर प्लॉइंग करो, डीप समर प्लॉइंग, जितने भी सॉइल बॉर्न डिजीज है समर प्लॉइंग करो, समर प्लॉइंग के बाद में क्या करोगे, सोलराइजेशन करो, ब्लैक पॉलीथीन लगाइए आप, उसमें ब्लैक पॉलीथीन से कवर कीजिए 0.25 mm थिकनेस माइक्रोमीटर, एंड देन क्रॉप रोटेशंस लेग्यूमिनस टू सीरियल्स, एंड देन मोनोक्रॉप मोनोक्रॉपिंग अवॉइडिंग, देन रिड्यूस हाई वाटर अवॉइडिंग, एक्सेस यूज ऑफ वाटर, एक्सेस यूज ऑफ अवॉइडिंग एनपीके, देन केमिकल कंट्रोल पे आएंगे, केमिकल कंट्रोल इज नथिंग, सबसे पहले हमें सीड ट्रीटमेंट करना है, सीड क्योंकि सबसे पहले सीड ही कॉन्टेक्ट में आता है सॉइल के, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट करेंगे किससे, सिस्टमिक फंगिसाइड से, कार्बेंडाजीम से, 2 gram पर के जी सीड, देन ड्रेंचिंग करेंगे कार्बेंडाजीम, प्रोपेकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, टैबूकोनाजोल,
एंड विटावैक्स 0.1%, 1 ग्राम 1 लीटर पानी मिलाएंगे, यानी 15 लीटर की टंकी है तो 15 ग्राम दवाई मिला देंगे और उसका बड़ा साइज, नोजल का बड़ा साइज खोल के और रूट जोन के आसपास हम उसका ड्रेंचिंग कर देंगे। अब बात आती है, और उसके बाद इरिगेशन कर देंगे ताकि वो फंजीसाइड रूट जोन के पास सॉइल में पहुंच सके। देन बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करेंगे, कुछ नहीं है, सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट सीख लो, ट्राइकोडर्मा विरीडी 4 से 10 ग्राम पर के जी सीड। कई बार पूछा जाता है कितना यूज लेना चाहिए, 4 से 10 ग्राम। देन सुडोमोनास 10 ग्राम पर के जी सीड, ठीक है, कई बार तुम लुटाई उठाओगे 10 साल की 5 साल की, तुम्हें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देन व्हाट मेथड ऑफ सॉइल एप्लीकेशन, सॉइल एप्लीकेशन में क्या करोगे, 2.5 किलो पर ने ट्राइकोडर्मा लिया, 100 किलो पर ने FIM लिया एक हेक्टेयर के लिए, मास मल्टीप्लीकेशन कीजिए, मॉइस्ट रखिए, टर्मिनेट सॉरी टर्न करते रहिए उसको, एंड देन यू अप्लाई इन फील्ड, एंड रेजिस्टेंट वेराइटीज मस्ट बी यूज। आई थिंक ऑल इज क्लियर, एनी क्वेरी, ओपन फॉर डिस्कशन। बहुत कम बच्चे क्लास ले पा रहे हैं, 58 बच्चे तो बहुत कम है, जब दोनों बैच की बात करें अगर हम 100 अबोव है, मतलब ठीक है, हम प्रैक्टिकल में इसी हिसाब से नंबर भेजेंगे, यहाँ से जो मुझे दिख रहा है उसी के नंबर, ओनली उसी के मार्क्स में यहाँ से प्रैक्टिकल में भेजूंगी, ये चीज ध्यान रख लेना, अपने फ्रेंड्स को बोल देना, क्लासमेट्स को बोल देना, मुझे यहाँ पे जिसके नंबर शो हो रहे हैं ओनली मैं उसी के ही प्रैक्टिकल में मार्क्स भेजूंगी यहाँ से। अगर आपको प्रमोट भी किया जाता है तो भी नंबर तो हमारे पास से ही जाएंगे ना,